सो गाइस फाइनली हमने वीज़ा ले लिया है हमारे थाईलैंड का, और ये है हमारे बैगेज। हम अपने बैगेज भी ले चुके हैं, अब हमें जाना है सीधा बैंकॉक से पटाया। तो अब मैं आपको बताऊंगा गाइस कि आपको बैंकॉक से पटाया कैसे जाना है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से टैक्सी कर सकते हो, जो कि आपको सीधे यहाँ से बाहर टैक्सी मिल जाएगी, गेट नंबर 5, 6, 7 किसी से भी आप बाहर निकलिए, आपको बाहर निकलते ही एक टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी लगभग आपसे 1500 से 1700 भाट लेंगे यहाँ के लोकल करेंसी, जो कि इंडियन करेंसी में होंगे लगभग 3000 से 3200 रुपए। पर अगर आप इससे भी इजी वे में अगर जाना चाहते हो, इससे कम पैसे में अगर आप जाना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे जाना है। अगर आप इससे कम पैसे में आप जाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे ईजी रहेगा कि आप यहाँ से बस से निकलो। बस की सुविधा यहाँ पर हर एक आधे घंटे में है, और मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि आपको कहाँ से टिकट लेना है और कैसे जाना है बस लेने के लिए। फ़िलहाल हम हमेशा टैक्सी जाते हैं, पर आज आपको ये दिखाने के लिए वीडियो में कि आपको बस कैसे लेनी है, मैं भी आज बस से जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि बस से कैसे जाया जाता है, कैसे टिकट लेनी है, कहाँ से टिकट लेनी है और बस का सफ़र कैसा होता है। यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज हर जगह पर मिल जाएगा। अगर आप कुछ अमाउंट यहाँ से और चेंज कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो। टूर सर्विस यहाँ से आपको कार्स वगैरह प्रोवाइड हो जाती है, और यहाँ पे हर एक कोने कोने पे आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ से आपको लोकल सिम भी मिल सकती है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एटीएम की भी सुविधा है, ये गेट नंबर 6 है, गेट नंबर 6 के बाद में आपको एक एटीएम नज़र आ रहा है, जिसके बगल में ही फॉरेन एक्सचेंज है, जहाँ से आप अपनी इंडिया के करेंसी देकर यहाँ के लोकल करेंसी ले सकते हो। और ये जो 4G 3G AIS जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है यहाँ का लोकल नेटवर्क, यानी कि यहाँ से आप चाहो तो सिम ले सकते हो। ये लोग चार्ज करते हैं 250 बाट पर सिम, जिसमें आपको इनकमिंग आउटगोइंग कुछ मिनट्स मिलेंगे, और साथ ही में आपको मिलेंगे 4G डाटा। ये देखिए यहाँ पर एक और है सुपर 4G। तो ऐसे ही हमें आगे चलना है, ये गेट नंबर 7 आ गया है, हमारी मंजिल जो है वो गेट नंबर 8 पे है। ये गेट नंबर 8 है, पर ये क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का गेट है, इसलिए हमें यहाँ से बस की सर्विस नहीं मिलेगी, आपको नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि बेसमेंट में। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आपको जाना है बेसमेंट में। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सामने जो काउंटर है, यही है बस के लिए काउंटर, जो कि डायरेक्ट आपको बैंकॉक से पटाया ड्रॉप करेगी। तो चलिए सीधे काउंटर की ओर चलते हैं। ये गेट नंबर 7 है बेसमेंट का, इसके आगे आपको गेट नंबर 8 दिखेगा, जहाँ से आपको बस की सुविधा प्राप्त होगी। तो चलिए मैं आपको सीधे गेट नंबर 8 की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए ये है गेट नंबर 8, और जस्ट इसी के बगल में आप ये देख सकते हैं, ये है हुआ हिन बस काउंटर, जहाँ से आप डायरेक्ट बस ले सकते हो पटाया की। यहाँ पे सिर्फ 120 भाट आपके लगेंगे, और आपको पटाया में आपके स्टॉप तक छोड़ा जाएगा। यहाँ पे बस हर एक घंटे में जाई जाती है, यहाँ से हम भी बस लेंगे अभी। तो चलिए हम टिकट ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि बस का सफ़र कैसा रहेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ से पटाया की टिकट लेनी है, ठीक उसी तरह मैंने भी उसी काउंटर से हमारी 3 टिकटें ली है। ये देखिए ये 3 टिकटें मैंने भी इसी काउंटर से ली है, और 4 बजे की हमें बस के लिए कहा गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बजे, तो 4 बजे बजने में अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी है, तो
तो हम यहीं पे वेट करेंगे ताकि बस आने पे हम बस में बैठ सकें। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि बस का सर्विस कैसा है, बस एसी बस है, फुली एसी बस है, और आपको ये कहाँ पर छोड़ेगी ये भी आपको बताऊंगा। प्लस आपको अंदर से बस कैसी दिखती है वो भी बताऊंगा। ये मेरे दोस्त लोग हैं, तो चलिए इनके साथ मैं जाऊँगा पटाया। बस का हम वेट कर रहे हैं, 15 मिनट बाकी है, तो हम यहीं पर थोड़ा वेट करेंगे बस का, टिल देन की बस आ जाए अपनी जगह पर। सो गाइज, नाउ हम लोग अभी बस में बैठ चुके हैं। ये हमारी बस है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बस है। फुल एसी बस है ये, तो आपको गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। प्लस इसमें आप पीछे देख सकते हो तो वॉशरूम भी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो पीछे में आपको एक बाथरूम दिखाई देगा, यहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह कर सकते हो इमरजेंसी में। और बाहर का आपको सीन दिखाऊं तो ये बहुत ही लाजवाब सीन है। ये देखिए बाहर का सीन देखिए, ये हमारा बैंकॉक है। यहाँ से हम जाएंगे पटाया, जो कि हम लगभग 2 घंटे में पटाया पहुँच जाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छी रोड है, यहाँ की रोड्स आप देखोगे तो बिल्कुल भी खड्डे नहीं है, रोड बिल्कुल मक्खन की तरह है। यहाँ पे बस लगभग 150 से 180 की स्पीड में चलती है। ये भी मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा कि कितनी स्पीड से बस जाती है, पर फिलहाल आप लोग बस देखिए, बस काफ़ी अच्छी है। केवल 120 भाट में ये हमें यहाँ से पटाया छोड़ेगी, जबकि टैक्सी 1500 भाट मिनिमम लेती है पटाया छोड़ने के लिए। तो आप देखोगे तो लगभग आपका 1350 भाट बच गए, यानी कि लगभग इंडिया के 2800-2900 रुपये आपने यहाँ पे सेव कर लिए हैं। तो उससे आप आगे जाके पटाया में इंजॉय कर सकते हो उस पैसे से। और अगर आप चाहो तो बस की सेवा लेना चाहो तो बस की सेवा लीजिए, और अगर आप चाहो कि आपको टैक्सी में जाना है तो ये अप टू यू कि आप टैक्सी में जाना चाहो तो टैक्सी में जाइए। पर मेरी अगर राय माने तो मैं पहली बार बस में बैठा हूँ, रियली इट्स अ वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे फुल एसी है, कोई दिक्कत नहीं है, सीट भी काफ़ी लाजवाब है। देखिए इतनी कम्फर्टेबल सीट है, सीट के बस पैर के आगे भी कम से कम हाफ फुट की जगह अभी भी बाकी है, जिसके लिए मैं अपने पैर को चाहूँ तो सीधे भी कर सकता हूँ। तो सर आराम से आप बस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी राय मानो तो बस में ही आओ। चलिए आपको दिखाते हैं हमारा आगे का सफ़र कैसा होने वाला है।
जब हम पहुंच गए हैं हमारे मंजिल यानी पटाया पे। ये हमारी बस है, हमारे फ्रेंड्स हमारे सामान लेकर आते हुए। ये है हमारा पटाया, यहाँ से हम टैक्सी लेंगे हमारे होटल के लिए। तो चलिए, आपको मैंने ये बता दिया कि आपको कहाँ से बस लेनी है, कैसे लेनी है और कैसे आना है। बहुत ही अच्छी सर्विस थी, 120 बाट में सिर्फ आपको बैंकॉक से पटाया तक यहाँ पे छोड़ा जाएगा। और यहाँ से अब आप अपनी टैक्सी लेके अपने होटल तक जा सकते हो, जो कि मिनिमम 20 बाट से लेके 50 बाट तक आपसे लेंगे। तो चलिए, अब हम भी चलते हैं हमारे होटल की ओर और देखते हैं कोई अच्छी सी कोई टैक्सी लेते हैं।